भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो सारियों में सद्भावना हो सुना कल्याण हो सरकार नहीं मिलता है अंदर वाली गाड़ी में आरोप है। अरे आप बैठो उनके चक्कर बने रहना। वो आरोप नहीं क्या लगता है क्यों फंसाया जा रहा है आपको? अरे क्या लगता है क्यों फंसाया जा रहा है आपको? प्रकरण में विवेचना में आए साक्ष्य के अनुसार दो अन्य आरोपी गण और गिरफ्तार हुए हैं। इन आरोपियों में से एक व्यक्ति ने कक्ष आरक्षित करने में भूमिका निभाई, दूसरे व्यक्ति ने अपराध घटित होने के पश्चात अपराधी को शरण दी, उनको भागने में सहयोग किया, भागने का अवसर दिया। इस क्रम में इन दो लोगों की अरेस्टिंग की गई है, इनसे पूछताछ की गई। आज इनको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था और इनको जेल दाखिल किया गया है। अभी हमारे प्रकरण की विवेचना जारी है। हमारे डीएसपी महिला सेल और हमारे विवेचक इस पर पूरी ढंग से अच्छे से विवेचना कर रहे हैं, जिससे प्रकरण को हम अच्छे से तैयार करके मान्य न्यायालय में पेश कर पाए। प्रकरण के दो आरोपी भी फरार हैं, जिसके लिए हम लोग लगातार हमारी टीमें प्रयास कर रही हैं। और जैसा कि आपने देखा, वर्तमान अभियान में जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं उनके पालन में जिला प्रशासन पूरी टीम के साथ में ऐसे बदमाशों के रिकॉर्ड्स निकालने के पश्चात उनके द्वारा जो अवैध संपत्तियां हैं, जो अवैध निर्माण कार्य हैं, उन पर कार्रवाई लगातार कर रहा है। इस क्रम में जिला प्रशासन द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी, जो भी उनके द्वारा तैयारी की जाएगी, पुलिस और जिला प्रशासन की टीम पूरी टीम के रूप में काम करते हुए आगे की कार्रवाई संपन्न करेगा। सर, आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद कहां रखा गया है? आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद उनको जेल दाखिल कर दिया गया है। सर, जो आरोपी पकड़े गए उनको बिल्डिंग गिराने का भी निरीक्षण किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी हम लोग नगर निगम की टीम और पीडब्ल्यूडी नगर निगम हमारी पूरी टीम लगातार साथ में है और हम लोग एक बार निरीक्षण भी करके आए हैं और उसके पश्चात हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे और जो भी कार्रवाई करेंगे आप लोगों को बिल्कुल उसके बारे में बताया जाएगा। अभी मैंने आपको बताया, पहले तो आरोपियों की अरेस्टिंग, फिर उसके बाद जानकारी लेना कि क्या क्या निर्माण कार्य है, तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी है और धीरे धीरे जो भी चीजें आएंगी हम लोग आपके सामने उसको रखते जाएंगे। सर, रेप मामले में आरोपी बनाए गए संजय त्रिपाठी के खिलाफ पहले से भी कई सारे मामले दर्ज, पूर्व में भी उनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जो कि अभी जो हमारे आईओ है उनको बताया गया है कि जिन थानों से अपराध दर्ज है वो कलेक्ट करके वो केस डायरी में संलग्न करें। अभी जैसा कि आपने देखा, कल सिरमौर में दो आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिनमें से एक रेप केस में सजाया भी है, उसको जेल में है, और दूसरा रेप केस में फरार चल रहा था काफी समय से, काफी बड़ी कार्रवाई रही, काफी समय लगा उसमें। आज आपने देखा, छेड़खानी के अपराधी का के ऊपर कार्रवाई की गई है, उसके निर्माण जो थे उनको ध्वस्त किया गया है। अभी हमारी टीमें एसडीएम एसजीपी अपने स्तर पर लगातार एक लिस्ट बना के काम कर रहे हैं और प्रायोरिटी पूरा ये है कि महिला अपराध में जो लोग ऐसे हैं उन पर फोकस करके उन पर कार्रवाई तीव्र की जाए और हमारा प्रयास है कि प्रतिदिन हम लोग किसी न किसी क्षेत्र में इस कार्रवाई को संपन्न करते रहें, जिससे समाज में कानून का भय रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम लोग कानून व्यवस्था की मजबूत स्थिति देख पाए।